गर्मी का मौसम चल रहा है और हमें ठंडा ठंडा मीठा मीठा डेजर्ट खाने का बहुत मन करता है। वैसे तो ये इसको खाने का कोई समय नहीं होता है, ये जब मिल जाए तभी हम लोग इस पर टूट पड़ते हैं, सुबह हो या शाम, जब मिल जाए बस टूट ही पड़ते हैं। आज हम बनाएंगे सेवइयों से ठंडा ठंडा मीठा मीठा कस्टर्ड सेवई, और वो भी बहुत ही कम सामान में, सिर्फ ड्राई फ्रूट से ही नहीं, फ्रेश फ्रूट से भी इसे आज बनाकर और बहुत ही मज़े करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है ही, खाने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, मात्र कुछ मिनट में इसे बनाकर हम रेडी कर लेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, इम्पीराइजर की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही लाजवाब डिलीशियस रेसिपी, जी हाँ, सेवई कस्टर्ड रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेवई ले रखी है, जो सिर्फ एक कटोरी सेवई है, बारीक वाली सेवई है, बहुत ज़्यादा मोटी वाली नहीं है। आप चाहें तो मोटी वाली भी सेवई ले सकते हैं, ये बारीक वाली सेवई से बहुत टेस्टी बनता है और ये बहुत ही कम दूध और बहुत कम सामान में ये बनकर बहुत डिलीशियस तैयार होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक कटोरी सेवई ले रखा है और इसे एक चम्मच घी में अच्छे से ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम भून लेंगे। आँच को मीडियम ही रखेंगे, लो टू मीडियम आँच रखेंगे, धीमे आँच पर भूनेंगे। और यदि आपकी भारी तले की कढ़ाई है तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से भून जाएगा। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखें कि ये जो है हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना भूने और मोटे तले के कढ़ाई में ही इसे भूने। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और इसे धीरे धीरे आराम से भूनेंगे। यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बातों बातों में देखिए, हमारी सेवई जो है वो बन गई है, एकदम अच्छे से भून गई है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब क्या करेंगे कि फ्लेम एकदम लो तो है ही हमारा, अब इसमें एक मग, इसमें मैंने दूध डाला है, ये 300 ग्राम का मग है, मैं इसमें 600 ग्राम दूध डालूंगी, लेकिन इस समय सिर्फ मैं डेढ़ मग दूध डालूंगी, आधा मग दूध मैं रख लेती हूँ, बाद में इसका प्रयोग करेंगे। अब इसको अच्छे से मीडियम आंच पर उबलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक क्या करेंगे, मैंने अपने पिछले वीडियो में कस्टर्ड बनाने की रेसिपी आपको शेयर की थी, उसी वही जो कस्टर्ड पाउडर है उसी कस्टर्ड पाउडर से आज हम बनाएंगे। आप यदि मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो ज़रूर जाकर देखें, कस्टर्ड कैसे बनता है, बहुत ही ईजी वे में कस्टर्ड मैंने बनाया है। तो आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें। अब क्या करेंगे कि दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और उसे दो चम्मच दूध के साथ, देखिए इस तरह का मेरा बनाया हुआ था ना, मैंने पिछले वीडियो में बनाया है इसे, दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसे दूध में अच्छे से घोल लेंगे, बिल्कुल भी लम्स ना पड़े, यानी कि गुठली ना रहे, बस इतना अच्छे से आप क्या करें, इसे अच्छे से घोल लें। अब उधर हमारा जो सेवई है वो भी उबल रहा है, अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और जो दूध बच गया ना उसको भी इसमें डालकर अच्छे से उबाल लेंगे, क्योंकि कस्टर्ड डालेंगे तो ये गाढ़ा बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए मैंने दूध बचा रखा था, क्योंकि हमारे जितना मैंने दूध डाला था उसमें हमारी सेवई पक गई अच्छे से और थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। और ये जो दूध मैंने डाला है इसमें यदि कस्टर्ड यह घोल के डालूँगी तो बहुत अधिक गाढ़ा नहीं होगा, जितना मुझे ज़रूरत होगा गाढ़ा करने की उतना ही ये होगा, इसलिए ये दूध मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। अभी इसे मैं डालूँगी, देखिए अभी उबल रहा है, अब इसमें जो है कस्टर्ड घोल कर इसमें धीरे धीरे एक हाथ से आप कस्टर्ड डालें और दूसरे हाथ से इसे इस तरह से चलाते रहें, इससे क्या होगा कि ये गुठली नहीं बनेगा, लम्स नहीं पड़ेगा और ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि कस्टर्ड डालकर इसको छोड़े नहीं, आप इसे चलाते रहें और जो फ्लेम है वो लो ही रखें, नहीं तो क्या होता है कि तेज़ आँच पर ये बहुत जल्दी लम्स बनने लगता है। अब देखिए इसको ज़्यादा नहीं उबालना है, बस दो मिनट तक इसको उबालेंगे, क्योंकि ज़्यादा उबालेंगे ना तो कस्टर्ड है ये, इसमें जो कॉर्नफ्लोर रहता है ना, डाला हुआ रहता है कॉर्नफ्लोर, इससे ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हम लोग उबालेंगे नहीं, मात्र दो से तीन मिनट तक बस उबालेंगे, बस इतना ही। और इसमें दो चम्मच सिर्फ मैं चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर में भी चीनी था, इसलिए यहाँ पर एकदम कम चीनी लगेगा, मैंने सिर्फ मात्र दो चम्मच चीनी डाली है और इससे इतना बढ़िया सेवई ये तैयार हुआ है, बहुत अधिक मीठा नहीं और बहुत अधिक कम मीठा भी नहीं बना है, एकदम परफेक्ट मीठा, इसकी मिठास जो है वो परफेक्ट हुई है। तो बस इतना ही इसमें चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स होने तक चला लेंगे। जब हमारी चीनी घुल जाए तब इसमें मैंने क्या किया, एक हाफ चम्मच जो है वो इलायची पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख लेंगे। आपको यदि अधिक ठंडा करना हो, जल्दी करना हो, तो आप क्या करें कि इसे बर्तन बड़े दूसरे बर्तन में निकाल लें और निकाल कर इसे फ्रिज में रख दें, तो इसे क्या होगा कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने किशमिश और काजू, पिस्ता, बादाम, ये सब मैंने बारीक बारीक काट लिया है और काट कर इसमें मैंने डाल दिया है और डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने जो ये ड्राई फ्रूट्स है इसे बचा लिया है, लास्ट में इसे क्या करेंगे, गार्निशिंग कर लेंगे। देखिए हमारी कितनी अच्छी परफेक्ट गाढ़ी तैयार हुई है। अब ये ठंडा होगा ना तो ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए बस इसी स्टेज पर जो है वो फ्लेम बंद कर देना है, बहुत अधिक नहीं पकाना है। देखिए देखिए ना कितनी गाढ़ी हो गई, यहाँ पर ठंडा होने के बाद देखिए गाढ़ी हो गई है। यदि आपको इसे सर्व करना है, किसी को यदि खिलाना है, तो आप क्या कीजिए कि इसको फ्रिज में रख लीजिए। ये ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे फ्रिज में ज़रूर रख कर सर्व करें। और जब भी किसी को सर्व करना हो तो आप उसे आधा घंटा पहले फ्रिज में रख दें और तब इसे सर्व करें, तब देखिए कि इसका स्वाद कितना इन्हेंस होता है, कितना बढ़ के आता है। तो आप इसे ज़रूर फ्रिज में रख के ठंडा कर लें और तब इसको सर्व करें तो बहुत मज़ा आएगा। सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे कि वाह क्या मस्त चीज़ बनाया है। अब इसे सर्विंग बाउल में मैं इसे निकाल लेती हूँ और ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं क्या करूँगी, अब इसे मैंने निकाल लिया है ना, अब इसे मैं फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये और भी अच्छा टेस्टी बनकर तैयार हो। देखिए अब मैंने फ्रिज से निकाल दिया है, अब इसको क्या करूँगी कि कुछ फ्रूट से इसे सजा लूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ सेब लिए हैं, सेब का बारीक बारीक टुकड़ा काट लिया है और इसे इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने अंगूर है, अंगूर को भी बारीक बारीक काट लिया है और इसको भी इसके ऊपर इस तरह से फैला लेंगे। आपकी इच्छा है, जितना आप फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो या आप जो फ्रूट पसंद करते हो, आप उन फ्रूट्स को इसमें कट करके डाल लें। ये बहुत मज़ा आएगा, बहुत खाने में स्वादिष्ट लगेगा। बच्चे इसे बस एक बार में ही चट कर जाएंगे। ये इतना टेस्टी लगता है कि आप एक बार जब बना कर इसे खाएंगे ना, तब कहेंगे कि हाँ रिम्पी जी आपने तो बहुत अच्छा डेजर्ट बताया हमें, बहुत टेस्टी लगता है। अब कुछ टूटी फ्रूटी था मेरे पास, तो ये भी मैंने ऊपर से सजाने के लिए रख लिया है। यदि आपके पास हो तो डालिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो सिर्फ सजाने मात्र के लिए है, बस इतना ही करना है आपके पास। मेरे पास अभी समय अभी बस इतना ही फ्रूट थे तो मैंने यही दो फ्रूट डाले हैं, आपके पास बहुत है तो आप और भी डाल लीजिए। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, खाने में उतना ही लाजवाब रहेगा। तो एक बार फिर से, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। देखिए एक बार इसे निकाल कर दिखाती हूँ चम्मच में, देखिए कितना ही अच्छा गाढ़ा तैयार हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना देखने में। तो आप लोग एक बार ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, इस रमज़ान के अवसर पर ज़रूर एक बार इस सेवइयों को बनाएं। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।